हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूं निशा। सो आज हम बात करेंगे सीटीएम के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि स्किन में सीटीएम कैसे करते हैं और सीटीएम है क्या। तो सीटीएम का हमारे मेकअप और डेली रूटीन होता है, तो उसमें सीटीएम का बहुत महत्व होता है। तो सीटीएम है क्या? सी माने क्लिनजिंग, टी माने टोनिंग, एम माने मॉइस्चराइजिंग। सीटीएम क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। सीटीएम के लिए आप कोई भी कंपनी का कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिनजिंग के लिए अयूर का क्लिनजिंग मिल्क लिया है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो क्लिनजिंग मिल्क, वीएलसीसी का, हिमालय का, और भी आते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने यहाँ पे अयूर का लिया है। और टोनिंग के लिए आप कोई भी टोनर ले सकते हो या फिर गुलाब जल भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाबर का गुलाब जल लिया है। और मॉइस्चराइजिंग के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अयूर का मॉइस्चराइजर लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीटीएम कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सीटीएम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लिनजिंग करूँगी। तो क्लिनजिंग के लिए मैं क्लिनजिंग मिल्क को ऐसे हाथ पे थोड़ा सा लूंगी। तो मैं क्लिनजिंग मिल्क को हाथ में ले लूंगी हथेली पे इस तरह से, और डैब डैब करके ऐसे फेस पे लगा लूंगी। चाहे तो आप कॉटन की मदद से भी इसको लगा सकते हो। और ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। हमेशा मसाज राउंड राउंड करेंगे, ऐसे हल्के हल्के हाथों से आइस के पास करेंगे। हमेशा मसाज अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर करनी चाहिए, डाउन मतलब कि नीचे की ओर नहीं करनी चाहिए। 2 से 3 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज करेंगे। अब हम इसे कॉटन से या फिर नैपकिन से पोंछ लेंगे। तो देखिए
क्लींजिंग से मेरा फेस कितना क्लीन हो गया है। तो क्लींजिंग के बाद हम अब टॉनिंग करेंगे। टॉनिंग के लिए आप टोनर भी ले सकते हो और गुलाब जल भी ले सकते हो। तो मैं अब गुलाब जल को कॉटन में लूँगी। आप इसको हाथ से भी हथेली पर लेकर लगा सकते हो हाथ से, या स्प्रे वाला भी ले सकते हो, या फिर कॉटन में भी ऐसे करके ले सकते हो और ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पर रोज वाटर को मैं लगा लूँ। इसको मैं पोंछूंगी नहीं, 2-3 मिनट तक ऐसे ही सूखने दूंगी जिससे कि मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसको मैं हल्के हल्के हाथों से ऐसे डैप डैप करूंगी, ये अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसको मैं फिर सूखने दूंगी 2 से 3 मिनट। तो देखिए ये सूख चुका है। अब मैं मॉइस्चराइजिंग करूँगी टोनिंग के बाद। अब मैं मॉइस्चराइजिंग करूँगी। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं मॉइस्चराइज़र लूँगी अयूर का। आप कोई भी कंपनी का मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। इसको भी मैं हथेली पर लूँगी। और इसे ऐसे 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 करके अपने फेस पर लगा लूँगी। और हमेशा आप कोई भी क्रीम लेते हो या मॉइस्चराइजर लगाते हो तो उसे फिंगर टिप्स की मदद से ऐसे ऐसे मसाज करनी चाहिए, ना कि ऐसे हाथों से करना चाहिए। फिंगर टिप्स की मदद से मसाज करनी चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया मॉइस्चराइजिंग। तो ये मेरा CTM हो चुका है अब कंप्लीट। ये देखिए फेस पे कितना ग्लो आया है। ये देखिए अब फेस कितना क्लीन हो गया है। CTM आपके लिए बहुत ज़रूरी है। CTM करने से आपके फेस की डीप क्लींजिंग हो जाती है, और CTM करने से आपके फेस पे पिंपल्स नहीं होंगे, आपकी स्किन स्मूथ, हेल्दी और ग्लो करने लगेगी। CTM आपको दिन में 2 बार करना चाहिए, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। CTM को आप मेकअप करने से पहले भी कर सकते हो, और मेकअप को रिमूव करने के बाद भी आप CTM कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।